This film is a work of fiction and cinematic expression. The language used in the film is in line with contemporary dictum. Any reference to mythological or religious characters is purely coincidental, unintended. The film does not intend to hurt the religious sentiments of any section of the society. ये फिल्म कलात्मक अभिव्यक्ति एवं एक काल्पनिक कृति है। फिल्म में प्रयोग की गई भाषा मौजूदा बोलचाल की भाषा के अनुरूप ढाली गई है। किसी भी पौराणिक अथवा धार्मिक चरित्र से कोई भी संदर्भ केवल संयोग मात्र है और ये किसी योजना विशेष के तहत नहीं किया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। के राजा रावण का वध करके सीता, लक्ष्मण और अपने प्यारे सेवक हनुमान के साथ अयोध्या लौट आए। राम जी की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश। महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो। क्या प्रशंसनीय पात्र थे। हे मुनिवर नारद। नारायण नारायण, आप तो कुछ बिना कहे जा रहे हैं। वैसे तो आपकी ये कथा बहुत ही अच्छी है, परंतु 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 मैंने यही कथा इससे भी बेहतर रूप में पहले सुनी है। नारायण नारायण। यही कथा इससे भी बेहतर रूप में? हाँ ऋषिवर, आपसे भी अच्छे भक्ति भाव से भरी ये अमर कहानी कोई पहले ही लिख चुका है। कौन हो सकता है वो रचनाकार? Thank you.
वाल्मीकि जी, सुना नहीं आपने? जो डर गया समझो मर गया। हनुमान, तुम दिल से आज भी बच्चे हो, इसीलिए लिखने में मुझसे भी सच्चे हो। अब तुम्हारी कथा को पढ़कर मेरी रामायण कौन पढ़ना चाहेगा? यू राइट, आप भी लिखते हैं? अकेले या किसी पार्टनर के साथ? ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, लव मी से। जस्ट किडिंग। आप जैसे महाज्ञानी की रामायण के होते हुए भला मेरी कथा की क्या जरूरत है? आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हनुमान, फिर मैं भी तुम्हें आज एक अद्भुत वरदान देता हूं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार। मुझ पे एक एहसान कीजिए कि मुझ पे कोई एहसान ना कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंके जरावा, धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उठाए। बच्चों, ये कमिटमेंट वाले डायलॉग्स, ये एहसान वाले डायलॉग्स बाद में जाके बहुत पेन देते हैं। वाल्मीकि जी के सामने हीरो तुम्हें बन गया, पर जब होश आया तो मेरी सारी लिखी कहानियां गायब, वैनिश्ड इन द बॉटम ऑफ द सी। अब राम कथा तो वाल्मीकि जी ने लिख दी, पर मेरी कथा का क्या? हटा सावन की घटा, व्हाट अबाउट माय कथा? कहानी जिसमें था एक्शन, सस्पेंस, इमोशन, वॉर, बस एक ही चीज नहीं थी, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं ना। और वो कहानी के कैसे बना ये भोला भाला बजरंगी हनुमान ददम था। विश्राम, मैं तुम्हारी तपस्या को सम्मानित करता हूं, तुम मुझसे एक मनचाहा वरदान मांग सकते हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अमृत है? क्या बात कर रहे हो, असंभव है भाई। भाई, इसके सिवा और कोई भी वरदान मांग लो, दो मांग लो, पर ये असंभव है। ब्रह्मदेव,
आपने मेरी सदियों की कड़ी तपस्या को मजाक बना के रख दिया है। अमृत सिर्फ उसी को मिल सकता है जो सारी सृष्टि में सबसे बहादुर हो। मेरा मतलब है अपने आप को सच्चे मन से परखो बरखुरदार। ब्रह्मदेव, मैं सबसे बहादुर नहीं पर मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करवाना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कौन है ये सृष्टि में सबसे बहादुर। वो एक मासूम बच्चा है हरिओम, जिसने डर जैसा शब्द न पढ़ा है हरिओम, न सुना है हरिओम, न सीखा है हरिओम, न जाना है हरिओम। उस बच्चे के जरिए मैं हो जाऊंगा अमर। बस मुझे मिल जाए वो बच्चा नीडर, वो बच्चा जो सूरज को आम समझ के खा गया था, वो बच्चा जिसने राहु केतु के छक्के छुड़ा दिए थे, वो बच्चा जिसने इंद्र को इतना पस्त किया कि उनको वज्र चलाना पड़ा था। ये तो उसके जन्मदाताओं का प्यार था जो वो जिंदा बच गया। ना उसे ये बातें याद है, ना ज्ञात है, ना अंदाजा है कि वो कितना नीडर है। ये उस पर श्राप है। वो नीडर बच्चा मुझे चाहिए, अमृत मैं लेकर रहूंगा हरिओम। अबे तेरी भैंस की पूंछ, वो चिल्ला नहीं रहा है, चीख रहा है वो तो। तेरे कानपुर में हड़ताल हो रही क्या? मारुति, मारुति, हाय मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे हरे मारुति। बच्चे किससे भाग रहा तू? अरे कहाँ भागा चला जा रहा है? हाय, मैं कहती थी ना दरवाजों पर डबल लॉक लगवाने चाहिए थे, पर आप भी ना। एक तो यो चालू है, ऊपर से तू और चालू हो जाए यहाँ पर। अरे दो मिनट थम जाओ सबके सब। मुझे तो कमरे में कोई दिख ही ना रहा है यार। अम्मा, बचाओ!
छी 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 मारुति, शरम आनी चाहिए तुझे। सेनापति केसरी का बेटा होकर इतने छोटे से कीड़े से डर रहा तू? यहाँ इतनी चिल्ल पाव मचा रखी है तूने, बाहर खड़े होकर सब हंस रहे हैं, नाक कटवा दिए तूने हमारी। जाके अपने कमरे में बैठ। ये सब ना तेरा किया धरा है। कितना बहादुर हुआ करता था हमारा बच्चा और तू। क्यों, आपको याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। शुक्र है वायुदेव ने उसे बचा लिया। हाँ हाँ सब याद है, सब याद है। तो क्या करें, डर के मारे उसे चूचू का मुरब्बा बना दें? अरे केसरी नंदन है लेकिन है क्या, डरपोक, घरगुस्सू, दब्बू, दुबकू। बहादुरी बस एक टाइप की ही नहीं होती, मारुति भी बहादुर है, उस पे थोड़ा भरोसा रखिए। अम्मा क्या मैं सचमुच सूरज तक उड़कर गया था? मारुति उड़ने के लिए बस मन में पंख ही काफी है, याद रखना बेटा। भोले भाले मन से मांगो जो दुआएं, पाकर रहेंगे दिल से जो चाहे। सो जा। हे परमपिता, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मैं दुनिया में सबसे बहादुर बन जाऊं। मुझे नहीं होना चूचू का मुरब्बा, डरपोक, खरगोशू। प्लीज मेरी हेल्प कर दो जी। Oh!
कौन है तू? नाम बता दे वरना मैं कर दूंगा। मुझे मतलब जिम है। क्या न्यूज़ है, क्या तोड़ती खबर है, ये तो मेरा करियर बना देगा। ओके रेडी कैमरा। नमस्कार, जंगल राज तक से मैं हूँ पोपट शर्मा। गर्मा गर्म पकौड़ियों और जलेबियों से भी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। जी हाँ, तूफान पे सवार होकर वो आया और हिम्मत का जलवा दिखाया। एक पल में खतरनाक टाइगर को चित कर दिया, जमीन पर गिराकर उसे फिट कर दिया, अपनी लाइफ की कहानी को हिट कर दिया। थैंक यू। नाम तो इसके हैं बहुत सारे, मगर अब इसकी पहचान टाइगर से भी ज्यादा बलवान एक छोटा सा बच्चा। हनुमान हनुमान। हरिओम। मुझे फौरन अपने महाराज के पास ले चलो। अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल पहले तो हम दैत्य मॉल घूमेंगे, फिर राक्षस पार्क और उसके बाद ही राजमहल जाएंगे। इफ यू प्लीज। हमसे मत लो पंगा वरना कर देंगे तुम्हें। रियली? अरे छोटू, पता नहीं यार ये कौन सी डिश टपक पड़ी। क्या 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 बेटा, हमने रवा मसाला डोसा ऑर्डर किया था, ये भटूरा कहाँ से आ गया? What? Hey, I'm not a bhatura. I'm a citizen of Lanka. मेरी सिक्योरिटी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे होते हुए ये धोती वाले अंकल ने मुझ पे हाथ उठाया। Shame on you. Shame, shame, puppy, shame. ओए ओए ओए, मिस्टर धोती वाले अंकल, राजा सुमाली के राज में नाजुक टूरिस्ट गर्ल के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। हम से मत लो पंगा वरना कर देंगे तुम्हें। माफ करो धोती वाले अंकल। होश ठिकाने आ गए।
अब मुझे सीधे अपने राजा के महल ले चलो, चलो। हाँ एक बात और, ये धोती नहीं है, ये है वस्त्र, अंग वस्त्र। हैं? बोलो अंग वस्त्र। चलिए अब चलते हैं राजा सुमाली के दरबार में। चलिए चलिए। अयो, लगता है आज कुछ इम्पोर्टेंट बात होने वाला है जी। दरबार में राजकुमारी कैकसी भी आई है। अयो साधु, थोड़ा आगे आने के, थोड़ा आगे आने के। अयो आप ही धोती वाले साधु आप ही को बोलते बे। ये धोती नहीं है। अयो। ओ, सिपाही हो, पीछे हटने का, डराने का नहीं इस बेचारे साधु को। बेचारे तो आप बनने वाले हो महाराज, देखो। अरे ये तो हमारा लंका जलता। अरे सरदार लंका जला रहे हैं। अब क्या होगा जी? कौन चला रहे जी? ये तुम्हारा भविष्य है। क्या? तुम लोग अगर चाहोगे तो अपनी बर्बादी को अभी रोक सकते हो। तुम्हें बर्बाद करने वाला अभी एक छोटे बच्चे के रूप में है। बचा लो अपनी लंका और आने वाली पीढ़ियों को। तुम्हारा जानी दुश्मन अभी नादान है, अपनी ताकत से अनजान है। बाद में तुम्हारे लिए इस विनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। पर साधु आप हो कौन? वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। What? मैं विश्राव हूं। पिताश्री, ये धरती के सबसे बड़े जीवित तपस्वी इंसान हैं। मुझे इनको देखते ही एहसास हो गया था, इनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी हैं। धन्यवाद राजकुमारी जी। ये महान साधु, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा दरबार में पधारे मचा। हरिओम। तरकीब सुझ रही है। अरे यार भोलू,
cool like me. जो जितना cool दिखता है, वो उतना महंगा बिकता है. Hello, ma'am. मैं Queen Bee की ओर से हमारे latest nightclub, The Hive के ribbon cutting का invitation लेकर आई हूँ. महाबली के लिए? महाबली? महाबली कौन? क्या जोक पे जोक मार रहे हो? आप ही तो हो महाबली. अच्छी खासी फीस भी देंगे पूरे एक साल के लिए. शहद की सप्लाई फ्री. एक साल? नो वे, तीन साल. अरे समझने की कोशिश कीजिए, शहद महंगी चीज है. इट्स लिक्विड गोल्ड. और महाबली जी है सॉलिड गोल्ड. दो साल के लिए लॉक करते हैं. ओके, डन 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 डन. नेक्स्ट. उत्तर की, पागल हो गए हो तुम? मैं मधुमक्खियों के आसपास भटकने भी नहीं वाला जी. ओके, तीन साल की हनी फ्री. बस इनको मना लीजिए. डोंट वरी, मैं मैनेज करूंगी. कोलू, कोलू, ये डरने का नहीं, कुछ करने का टाइम है. हो सकता है तुम्हारी माँ के दावे 100% हो सच्चे. तुम निडर रहे होगे जब तुम थे बच्चे. हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है तुमने सूरज तक छलांग लगाई हो, इंद्र और राहु को धूल चटाई हो. उफ़ो, लगता है ये सब झूठी कहानियां ही हैं. तुम तो 100% डप्पू और डरपोक हो, बहादुरी के नाम पर सबसे बड़ा जोक हो. ओ हे, I was just kidding. जो सच्चाई है वो तो है ना 100%. ओ छोटू, पता नहीं यार, ये वही तो नहीं है? वही वही वही. ये तो वही नहीं है, ये तो यही है. उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं. सीधे तरीके से कुछ नहीं होने वाला हरिओम. अयो मजा. नमस्कार, मैं हूँ जंगल राज से पोपट शर्मा. आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल ताजा खबर. तो आखिर जंगल में आ ही गया वो दिन जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार और जिसके लिए आप सब हो रहे थे जमकर तैयार. जी हाँ, अलग अलग खेलों के बड़े बड़े मुकाबले खेलने और देखने के लिए सभी हैं उतावले. बरगद चौक में तय होगी इतिहास में पहली बार दुनिया भर के जानवरों की जीत और हार. और मरिए, देर न करिए. खेलने वाले हैं. अबे किस इवेंट में नहीं बोलू, तुम्हारा नाम तो हर इवेंट में
से। जंगल ने ली राहत की सांस और फिर लौट के आ गया है महाबली मारुति हमारे पास। सबको यकीन है कि ये सबको पछाड़ देगा हर इवेंट में, अपने नाम के झंडे गाड़ देगा। ए हेलो हेलो, और कहाँ गए सब यार? नाम तो सिर्फ ऊपर वाले का होता है, वैसे बंदे को कहते हैं गरुड़। गरुड़? बेटे एक बात जरा डिटेल में समझा, कैसे फिसल गया तू? ओजी, पहली बात तो है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और दूसरी बात कि मैं फिसला भी नहीं हूँ। ओल्ले, मतलब तू ये फ्लाइंग रेस में टेक पार्ट करने आया था? ओहो, बेटे तू वाकई में उड़ने चला था। फटे। एक बात सुन, जिसे भगवान ने पंख ना दिए हूँ उसे उड़ने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, उड़ने के लिए सचमुच में नहीं, मन में पंख होने चाहिए। बेटे इतनी छोटी उम्र में शायरी नहीं करते, बस जम के पकड़ ले हीरो और नीचे मत देखियो। अच्छा बेटे, तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तू उड़ सकता है? वैसे तो मेरी उड़ने की बहुत कहानियां मशहूर है जी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक बार सूरज तक उड़ के पहुंच गया था जी। अच्छी फेंकता है तू, थोड़ा कंट्रोल में फेंका कर बेटे। देख, लोगों की बातों पे हमेशा यकीन नहीं करते, कई बार उनकी बातें ठीक भी होती है, लेकिन थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अरे तुझे कह रहा हूँ नीचे मत देख। अबे क्या वैवैंग किया जा रहा है बे? ये डरपोको वाली एक्टिंग बंद कर दे। एक्टिंग कौन कर रहा है भाई? मैं तो सचमुच का डरपोक हूँ, चूचू का मुरब्बा। देख, अगर तू डरपोक होता तो ना मैं तेरे साथ रहता, ना उड़ता, ना झूठता, लेकिन तू नहीं है क्योंकि तेरे साथ बड़ा मजा आ रहा है बेटे। चल, आज तक मैंने किसी उड़न बंदर को नहीं हराया। लंबी चौड़ी है पर दम है दिया सलाई। आई 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 भाई ओ भाई 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 भाई।
करियो कुछ करियो, मन के इन पंखों को थोड़ा सा फड़फड़ियो, फड़फड़ फड़फड़ फड़ फड़फड़ अंदर से फड़फड़ाई, बड़बड़ाई बड़बड़ाई ये बातें बड़बड़ाई। भी तैरती है देखो यहाँ मूड में, तू भी गोता मार ले सबको पिछाड़ दे, छप छप पानियों पे कर दे चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, कर दे चढ़ाई बड़बड़ाई बड़बड़ाई ये बातें बड़बड़ाई। सूरज एक कर डाल दे, बीती बातें भूल के आगे पीछे झूल के, बस जोड़िए अपनी पीठ दिखाई 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 ये दे दे दिखाई, ओ भाई ओ भाई 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 भाई। कभी तो लटक ले तू थोड़ा सा लचक ले तू, मेडल की कर दे कमाई 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 है बढ़िया कमाई, फड़फड़ाई फड़फड़ाई अंदर से फड़फड़ाई, बड़बड़ाई बड़बड़ाई ये बातें बड़बड़ाई, भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई। चाची तुम ना इस वक्त बिल्कुल मेरी अम्मा लग रही हो। मगर ये है कौन? बस यही मान लो कि ये मेरा भाई है। वाह भाई, जान ले रिश्तों की रियलिटी को, जान ले इतने सालों की फ्रेंडशिप हमारी और इस गरुड़ के आते ही यही मान लो कि मेरा भाई है। बड़ा आया मेरे भाई का भाई, बड़ा मजा आएगा। Ah!
देख, जंगल ओलंपिक्स में एक इवेंट ना छूट गया था, जो अब होने वाला है। भाई फुटबॉल खेलोगे? फट्टे! अरे इसको भी तो मारो! अरे मारे डालोगे अब मैं तुम दोनों को ऐसी लात मारूंगा ना कि इंटरनेट पे भी नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हें। सीधा भाग के जा लंका और कह देना सबसे कि मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए। हनुमान को सिर्फ गरुड़ लाएगा। यानी कि कौन बेटा? कौन? मैं। अरे तेरी भैंस की पूछ, इब तो इंटरवल भी खत्म होली, पर मारे सरदार का छोरा इब तक नहीं मिला। अरे ये तो बता दो कोई कि उसे ढूंढना किस दिशा में है। ओए छछुंदर, बॉस जो कह रहे करते चलो चुपचाप। मेरे बहादुर सैनिकों, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। पता नहीं मारुति जंगल में कहां भटक रहा होगा इस वक्त, पर भाग्य सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। आखिर बच्चा तो मेरा ही है। मैं हूँ पोपट शर्मा, और फिर हर महीने की तरह रेशमी रैबिट ने 7 बच्चों को जन्म दिया है, जो है बेहद ही क्यूट है। ये तो हद होगी बदतमीजी की यार। बिटी, यू कांट से हेल ऑन द नेटवर्क।
kill, 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 witty, you not pity, you, you. इसमें लड़ने की क्या बात है? बच्चे तो सबकी क्यूटी होते हैं. मेरी नहीं देखी क्या? बधाई हो बधाई. तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है. क्या नाम रखे है इनके? नाम से कहाँ चलता है काम. अब तो नंबर देने पड़ते हैं. इनकी गिनती 23 से 30 तक है. भोलू, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही होगी. वैसे तो वो हमेशा परेशानी रहती है, लेकिन हम दोनों भी तो कितने दिनों से बस घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं. देखिए सच सिटी, इन बच्चों को देखकर मुझे भी अम्मा की बहुत याद आ रही है. Yes, exactly. चलो चलो अम्मा के पास चलते हैं. ओहो, घर जाना है? अबे इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ भाई, हम लोग तो बहुत दिनों से बाहर ही घूम रहे हैं. देखो अभी तो सूरज डूबने का वक्त हो गया. एक काम करते हैं, कल सुबह सूरज उगने तक हम घर के लिए निकल जाते हैं. सूरज उगने तक? हाँ. अब क्या करेगा गरुड़े? हाँ ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सूरज उगने तक हम लोग साथ रहेंगे. मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाओ. अब याद रखना नीचे मत देखियो. Hey, wait up, wait up! मतलब जब वो बंदे इसे ढूंढेंगे तो इसे यही बुलाएंगे, न्यू वर्ल्ड. कौन से बंदे? अरे वही बंदे जो हिस्ट्री लिखेंगे. हिस्ट्री मतलब? अरे मेरे भोले भाई, हिस्ट्री मतलब इतिहास. इतिहास मतलब ये कि अगर तू अपने आज की कहानी को लिख डाले तो वही कल का इतिहास बन जाएगा बेटे, और फ्यूचर के सारे बच्चे कच्चे बबलू डब्लू चिंटू गोलू इसे बड़ी ईमानदारी से पढ़ेंगे. चीटी, फिर तो हमें घर पहुँचते ही अपने सारे एडवेंचर्स लिखने चाहिए. Oh, cool! In fact, मैं तो एक एजेंट को भी जानती हूँ जो हमारी बुक की डील करवा देगा और मूवी राइट्स वो तो हाथों हाथ बिकवा देगा, हाथों हाथ. अब मुझे घर लौटना बिल्कुल नहीं खल रहा है. मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है. बहुत बोलू वो देखो वो क्या है? OMG! मुझे पता है क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी को बताया था, जिनके परदादा की दादी के चाचा के फूफा के मामा के ताऊ के बड़े पापा ड्रैगन थे. भोलू, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चाइना, हे चाइना, ए चिपड, रुक जाओ, तुमने तो हमें पूरी दुनिया का चक्कर गड़वा दिया. हम अभी रुक नहीं सकते. पर ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है और अब तक सूरज भी नहीं डूबा. मुझे लगता है टाइम रुक गया है जी. टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और हमें भी रुकना नहीं चाहिए. बस यूं ही उड़ते रहो मेरे साथ.
मुझे तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुआ ये सब? ए भाई, मैं भी आ रहा हूँ। उत्तर की फट्टे, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। कुछ याद आ रहा है। ये देखो सूरज, पर अब तक डूबा नहीं। ओ गॉड, अभी क्या सोलर सिस्टम समझाना पड़ेगा। बोलू डियर, ये सूरज रहता है एक ही जगह पर, पृथ्वी लगाती है इसके चक्कर अपनी जगह पे घूम घूम कर, गोल 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 गोल, और इसी से बदलते हैं धरती पे दिन और रात के रोल। फट्टे, और तुम्हारे ये भाई हमें लेकर पृथ्वी की स्पीड से घूमते रहे और तुम मस्ती में झूमते रहे, और तुम्हें आ गया ऐसा यकीन कि सूरज अभी तक डूबा ही नहीं। यार अगर सूरज ढल जाता तो फिर जल्दी उग भी जाता। मैं समझ गया जी, जब मान लिया कि भाई है तो बस भाई है हमेशा के लिए। जब तुम दिल से याद करोगे मैं वही नजर आऊंगा जी, ये भाई का भाई से वादा है। वे वे वे। आए, भोलू, घर नहीं जाना है क्या? अच्छा बाय बेटा, मेरी तरफ से मम्मी जी को पैरी पौना बोलना। वैसे उन्हें तेरा गिफ्ट बड़ा पसंद आएगा। गिफ्ट? जो गिफ्ट तू उनके लिए ले जा रहा है। क्या तू उनके लिए गिफ्ट नहीं ले जा रहा? इतने दिनों से बाहर घूम रहा है, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, और फिर भी घर खाली हाथ जाएगा हीरो? चले, सबसे बड़ा गिफ्ट तो मारुति खुद है, तुम्हें देखते ही अम्मा खुशी से झूम उठेगी। डूड सही सीटी बजा रही है तू। वैसे भी एक छोटे से बच्चे से भला वो गिफ्ट क्या एक्सपेक्ट करेगी? ए भाई, मैं इतना भी छोटा बच्चा नहीं जो अपनी माँ के लिए कुछ ना लेके जाऊँ। तुम्हें कुछ सजेस्ट करो ना जी। फट्टे भाई, एक आइडिया है। क्या जी, बताओ ना। यार तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं हीरे मोती चमकते नगीने टाइप की चीजें ले जाता। पर हमें सब मिलेंगे कहाँ? दुनिया के सबसे सुंदर और अमीर शहर में। चारों दिशाओं में डंका डंका, गुदगुली मत करो ना प्लीज। तो अब सभी अपने अपने हिस्से का रतनदान लेने के लिए तैयार हो जाइए। फट्टे, ये जगह तो कमाल की है भाई, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे भाई पैसे की क्या बात है, जब सिटी हमारे साथ है इसी को बेच देंगे, इसी के मार्केटिंग के फंदे में इसी को फांसी दिलवाएंगे हम। मैं तो सोच रहा हूँ इसे ब्रोचेस का नया आइटम बताकर बेच देते हैं, बड़ी जचेगी ये लोगों के कपड़ों पे। या फिर ये सुपर ग्लू का एंडोर्समेंट भी कर सकती है। कैसा लगा मेरा आइडिया भाई? So funny, Lord. मार्केटिंग की फील इतनी आसान भी नहीं है। मैं जो करती हूँ उसे एंटरप्राइज कहते हैं। मैं आइकॉन्स पे पैसे लगवा के उन प्रोडक्ट्स की डिमांड पैदा करती हूँ जो एक्चुअली फालतू है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन FYI, ये सब सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर की वो देखो सिटी, गार्ड्स राक्षस और असुर जाति के मिक्सचर्स, हाफ एंड हाफ, बिल्कुल मेरी तरह। ए, आई एम हाफ लंकन हाफ इंडियन, तुम क्या समझे नॉटी नॉटी। लेट्स टेक अ सेल्फी। उत्तर की Yeah.
सावधान, महाराज सुमाली कक्ष में पधार रहे हैं। हरि ओम। साधु, मारुति को सिंह मुख में कैद कर दिया है, शेर का मुख वाला झील। एक बार अंदर गया तो गुड़प, अभी काली पार्टी का सोच नहीं गए। और जो मारुति को यहाँ लेके आया उसका वीआईपी ख्याल रखने का। महाराज, धरती पर ऐसा कोई सिंगम मुख नहीं जो मारुति को कैद करके रोक पाए। पार्टी की तैयारी करने के बजाय आप अपनी सेना की तैयारी करें तो अच्छा होगा। ये ना भूलिए कि लंका का नाश करने वाला लंका में ही है। महाराज, मैं खुद मारुति को देख के आता हूं। और हां, गरुड़ के वीआईपी ख्याल की चिंता मत करिए, उसके लिए मैं हूं ना। यह सचमुच धरती का सबसे महान जीवित इंसान। बेटी, अब चुपने का नहीं, हमको भी तुम्हारे लिए बेस्ट आदमी का तलाश था। I don't want to say I told you so, but I told you so कि तुम्हारे इस गरुड़ भाई में कुछ गड़बड़ है जरूर। अरे बोलू, कोई इतनी जल्दी इतना बेस्ट फ्रेंड बनता है क्या? But you thought I was jealous? I? वो भी इस चीपड़ से? हाँ, तुम सही हो, पूरी दुनिया सही है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ, मैं ही नहीं समझा। उफ, ये सही होने का दर्द। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Enter the real hero. Let me out. बेवकूफ बक्षी, तुमने हनुमान का विश्वास क्यों तोड़ा? ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चचा, आप ही का प्लान था ये, अब मुझसे पूछ रहे हो आप, मैं तो मजबूर था। अरे मेरा प्लान तो ये था कि तुम उसका पूरा विश्वास जीत लेते और फिर हम उसे अमृत लेने के लिए देवलोक भेजे। अमृत लेने? गलत है। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं हनुमान को आपके हवाले करूंगा और उसके बदले में आप मेरी माँ मुझे लौटा देंगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतना खतरनाक काम उस बच्चे से करवाओगे। गलत है सर जी, ये सब गलत है। गलत है? अकल से काम लिया जाए तो बड़े बड़े बहादुर भी काम पे लग जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा दोस्त। अब वो मेरे लिए काम करेगा। झूठे। अमृत लाएगा वो, और पीऊंगा मैं। तुम्हारा भाई बहुत मुश्किल में है, उसको तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मेरा कोई भाई भाई नहीं है जी। उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। माँ? हाँ। हरियो, उसकी बेचारी माँ सांपों से भरे घेरे में सिर पड़े हैं और उसके शरीर में विष ही विष फैल रहा है। अब उसको बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अमृत, जो देवलोक से बस तुम ला सकते हो। चक दे फटे, उड़ा दे गिल्ली, बना दे दुश्मन को भीगी बिल्ली। देखा तुमने मेरा कमाल, पलक झपकते पलट दी चाल। सीटी, तू है वाकई कमाल, अब फटाफट चाबी निकाल, जल्दी कर बे सीटी।
हो, मेरा भाई कहाँ गया? पर मैं अमृत लेने के लिए इतने ऊपर पहुंचूंगा कैसे? हे परमपिता, मेरी मदद करना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। टाइम पे लेट मत करो, आज फिर लेट हुए तो इस बार भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, समझे? ऐसे भी फालतू की जॉब है हमारी, डेजिग्नेशन लीडर का, और काम बैट की तरह राउंड लगाओ। वैसे भी कौन आ पाता है आजकल स्वर्ग, बोर हो गया हूं मैं। रावत, प्रकट हो रहे हो तुम, बादलों में से एंट्री मारी है, आओ चलो तुम्हारी सवारी। अरे ये हाथी तो हाथ में ही आ गया। चलो ये अच्छा है, इस स्वर्ग में सब कुछ नरम नरम है। अब कहाँ हो तुम? रावत। हेलो जी, आप यहाँ काम करते हैं? मैं अमृत ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ओ भगवान, ये बंदर का बच्चा यहाँ कैसे आ गया? ये तो मुझे स्वर्गवासी बना के छोड़ेगा। स्वर्गवासी पर हम तो ऑलरेडी स्वर्ग में वास करते हैं, मतलब कि हम नेवर माइंड, ये फिर मुझे तंग करने आया है। फिर से? मैं तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ जी। फर्स्ट टाइम? अच्छा, ले अब ये कौन सा नाटक है? याद नहीं, पिछली बार सूरज को निगलने चला था, सूर्य देव को। ये तो अच्छा हुआ मेरे वज्र ने तेरे हनु को जकड़ लिया, तो सब ठीक हुआ। बेकार में राहु केतु इन्वॉल्व हो गए थे और मेरी इज्जत तो गई ना, मतलब नीचे डाउन। अब अमृत चाहिए तुझे। अमृत क्यों पीछे पड़ा मेरे यार? इंद्र हूँ मैं, यू नो माय नेम इंद्र, देवराज इंद्र। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दे, इस बार कुछ कांड हो गया ना तो प्रमोशन तो छोड़ो, मैं नौकरी भी जाएगी मेरी। पुत्र की, इसका मतलब अम्मा वाली कहानी सच थी? पर मैं तो अमृत लेके ही जाऊंगा जी। अग्नि, रेड अलर्ट डाल दो। कहाँ गया भाई अमृत? तो मुझे अब खुद जाकर चेक करना पड़ेगा इन पर्सन। समझता है? बेवकूफी है ये।
भोले भाले मन से मांगो जो दुआएं, पाकर रहेंगे दिल से जो चाहे। मैं तेरा स्वर्ग में इंट्रो करा दूंगा। हम तो ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। अच्छा, मेरा जोक मेरे को म्याऊ। भाई, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊ होता है ना? ओए, स्वर्ग में जिसका हाथी उसकी भैंस। नेवर माइंड, नाउ गिव और टेक। एकी People, hang on, शांत हो जाओ। बात क्या है? Let's see. एक वानर बालक, उसके साथ उसका ये विंगमैन, और उनके हाथों में अमृत, जिसकी रक्षा करना इंदर का काम है। How interesting. अरे इंदर, याद है ना तुम्हें, अगले हफ्ते तुम्हारी अप्रेजल रिपोर्ट है। सर मैं तो क्या हालत बना रखी है इंदर, कुछ लेते क्यों नहीं? एनीवे बच्चों, ये अमृत मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। लाओ, गॉड प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं जी। नादान बालक, सर से ऐसे बात करते हैं? अबे सर हैं ये विष्णु भगवान। सर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं बाय द वे। फ्लावर, गुड मैच जी। थैंक्स इंद्र। सर इंद्र, इजंट इट डिवाइन, आजकल सब जगह खिला है। हेलो जी, मुझे किसी को बचाना है। मैं जी अमृत वापस नहीं दे पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ जी। मजबूरी के बच्चे। सर एक्चुअली मैं समझा रहा था कि ये अमृत है, कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी कि प्यास लगी तो स्वर्ग चले आए प्यास बुझाने। इंद्र तुम मेरी बात सुनो। सर इंद्र, व्हाट्स इन द नेम, टैलेंट को पहचानना सीखो, अपने लक्ष्य को चुनकर उस तक बिना किसी संशय के पहुंचने का नाम ही तो बहादुरी है। इसलिए तो ये अमृत इसके हाथों में आ गया है। यही है सृष्टि का सबसे बहादुर प्राणी। बहादुरी और बेवकूफी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। They're two sides of the same coin. सर, coin और foil जो आप करें। Boss is always right. और आप तो भगवान है, भगवान श्री विष्णु। पर विष्णु जी, वो बहादुरी किस काम की जिससे किसी का भला ना हो? मेरा विश्वास करिए जी, मुझे कुछ समय के लिए अमृत ले जाने दीजिए, इसके बदले मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आभारी, I like, but there are no free lunches. How do we make this a win-win situation? Win-win? Win-win? Win-win. तुम अमृत ले जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? तेरी की, यहाँ भी बिजनेस? चलो वादा करता हूँ, सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा जी। सारी उम्र? यू मीन हमेशा? हमेशा ही मान लीजिए। मेरा यहाँ खड़े खड़े छींक क्या रहे हो? वो हमेशा वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। अच्छी सर। भाई, तू ये सब मेरे लिए कर रहा है? मैं तुझे ये सौदा अकेले नहीं करने दे सकता। फ्रेंडशिप, आई लाइक दैट थॉट, पर तुम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? मैं आपकी सवारी बन सकता हूँ, कम से कम इस बहाने इनसे लिफ्ट नहीं लेनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? Are you serious? Excuse me? पर मेरी सवारी में क्या प्रॉब्लम है सर? सर सर, ये सर 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 करना बंद कर दो, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। And change is good in there, change is good. Quick quick quick. और एक वो हमेशा वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। जी सर। Mr. Wingman, यहाँ, please, जरा साइन कर लीजिए। Fantastic. Okay, done. To sum it up, आप लोगों के पास 15 मिनट की मोहलत है। इसके बाद देवराज इंदर
आपसे ये अमृत छीन लेंगे। Shall we shake on it? Enough shaking. Your time starts now. Okay, bye. Tissue. भाई ये विष्णु जी बड़े कूल बंदे हैं। इनकी सेवा में बड़ा मजा आने वाला है। हम आपके लिए अमृत ले आए हैं, आप झट से पी लो। पुत्र, मेरा पुत्र। बहुत मिस किया आपको माँ। जी, आप इसे जल्दी पी लीजिए, आपका सारा विष उतर जाएगा। विष? अमृत मेरे लिए? मैंनू कुछ समझ नहीं आ रहा पुत्र। तो क्या आपको सांपों ने नहीं काटा? ओ ना पुत्र। बिल्कुल सही कहा, माँ का सिर्फ बहाना था। एक और झूठ, मतलब उस विश्रव ने हमारे साथ कोई गेम खेला है, उसी की वजह से मैंने तुझे धोखा दिया, वरना वो माँ को मार डालता। और तेरे की मतलब उसकी सारी कहानियाँ झूठी है। अरे अरे संभल के पुत्र, पर इसकी एक बूंद भी अगर किसी गलत हाथों में लग गई ना तो उसका नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। डेंजर वाली गाल हो जानी है। हाँ, इस अमृत को सही आदमी के हवाले करो, अमृत के लिए ही तो मैंने सारा खेल रचाया था। इसे मैं पीकर अमर हो जाऊंगा। लाओ। अरे जाओ, कभी नहीं बोलू तुमको मेरी बहादुरी की कसम, इसको अमृत की एक बूंद भी छूने मत देना। ओए 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 अंकल, अरे बच्चों से क्या उलझता है, हिम्मत है तो मुझको सीधा कर, फिर मैं तुझको सीधा करूंगी। बेवकूफो, शायद तुमको पता नहीं है कि मैं धरती का सबसे महान जीवित इंसान कैसे बना। हर उल्टी बाजी को पलटना आता है मुझे। हरिओम। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। लंका के विनाश पे तुला हुआ है। आक्रमण। पूरी पलटन भेज दी है। चल निकल लेते हैं। मैं कब तक भागता रहूंगा, तुम माँ को लेकर सुरक्षित जगह जाओ। अब मैं हर डर का सीधा सामना करूंगा। फट्टे, तू तो बोलता था चूचू का मुरब्बा, लेकिन तू तो एक्शन हीरो निकला बेड़े। उत्तर की फंस गए भाई। भाई
हमें बस कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैं हूं जंगल राज तक से पोपट शर्मा, सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही है सनसनी। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जंगल के सारे पशु पक्षी मारुति को बचाने के लिए राक्षसों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। बहादुरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। आज सच में मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। तू सच में सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे दमदार। हनुमान की जय। हनुमान की जय। सुन, ये सब अपनी माँ को मत बताइयो घर जाके, उसके सामने ना मेरी भी पूंछ सरक जाती है, समझा क्या? चल मार पकड़ के। ओ मेरे लाल, मेरे लाल, ये क्या हो गया? अगर तूने अपनी माँ का कहना मान लिया होता तो ऐसे घायल तो ना होता तू। अरे पापा देखो, अरे मेरे भोले बच्चे, ये कमाल है ड्रिंक का, अमृत ड्रिंक का। अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे अमर। मेरा अमृत, मेरा रुको, आपका समय समाप्त होता है, एक सेकंड। अमृत दो और अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लो एंड रीड द फाइन प्रिंट। हमेशा का मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज फॉरएवर। विष्णुदेव के सारे अवतारों के साथ रहना पड़ेगा, फंस गए ना? बच्चे ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पापा, ये तो कहते ही रहते हैं। इंद्र जी, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। करुण भाई कैच। ब्रदर्स फॉरएवर। अरे तुम छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो। सबसे महान जीवित इंसान, दोनों की उल्टी चार से हुआ परेशान। अमृत, ओ अमृत, मुझे दिखा पर पी नहीं पाया। आ,
चल। सन्नाटे को चीरती हुई विटी बर्ड घायल हुई, कोई है? She needs help. Help, help, please. अब क्या करें? हमारे पास तो अमृत भी नहीं है भाई। हाँ भाई, हम तो अमर होके भूल ही गए थे कि जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी नाजुक है। बच्चे के पिता हैं। बाप? पर क्या तुम जानती हो कि इस पूरे विनाश का जिम्मेदार यही है? मैं सब कुछ जानती हूँ। प्लीज मारुति, क्या तुम चाहोगे कि मेरा बच्चा अपने पिता को खो दे? नहीं भाई, छोड़ दे इसे यार। मुझे पता है कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है। मैं अपनी करनी की हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि आज के बाद कोई पाप और स्वार्थ भरा काम नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ। दूर हो जाओ, मुझे अपना बाबी चेहरा फिर कभी मत दिखाना। मैं वचन देता हूँ। धरती के इस किनारे पर भूल कर भी कभी अपने कदम नहीं रखना। दूर जाओ हमेशा के लिए। बस मेरे बच्चे, बस इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। चल अब घर चले। भाई तेरी बड़ी याद आएगी यार। तुम जब भी दिल से याद करोगे
मैं वही नजर आऊंगा जी, ये भाई का भाई से वादा है। ऐसा ना कहे अंजनी, यह तो मेरा फर्ज था। है? आप कहां से बीच में आ गए जी? मैं तो भगवान से बात कर रही थी। और इस तरह मैं अपनी फैमिली से वापस मिला, लंका वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी। वाह, क्या हैप्पी एंडिंग थी। अरे एंडिंग कहां, पता चला ये तो बस शुरुआत थी। कैकसी, तुमने बच्चे का नाम सोचा है कुछ? हाँ, अगर लड़की हुई तो उसका नाम मीनाक्षी। और लड़का हुआ तो? अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रावण। रावण? सुरावे अंतकाल रघुवीर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देविता चितना धरई, हनुमंत से सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर चेरा, जय नाथ हृदय महजेरा।